हेलो। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राम राम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? एक मिनट ये मोबाइल। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कल हमने जो सरफेस टेंशन की बातें करी वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, इसमें बेटा जो थोड़ा सा पोर्शन है उसका मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, 10 मिनट 15 मिनट का, तो मैं आपको बता दूंगा भाई कहाँ से कहाँ तक आपको देखना है। ठीक है बेटा, हेल्थ तो वैसी की वैसी है जैसी कल थी, है ना। अपन करते हैं पढ़ाई, जब तक कर पाएंगे तब तक करेंगे, ठीक है। जब दिक्कत होगी तो क्लास छोड़ देंगे, है ना। वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो उसका जो 10 एक मिनट का है वो बात करते हैं। आज अपने को बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत ईजी है, पूरी हीट एंड थर्मोडाइनिक्स बहुत ईजी है बेटा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो देखो इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेटा इसको दो पार्ट में, पूरी हीट को देखो, पूरे हीट में अपने को एक तो पढ़नी है गैस से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, पूरे गैसियस सिस्टम का हिसाब किताब, और एक लिक्विड सॉलिड का पढ़ना है। तो बेटा देखो, एक होता है हीट देने के तरीके, सुनना ध्यान से, हीट देने के तरीके। जैसे मैंने आपके आप तक पैसे पहुंचाए तो पैसे देने के तरीके, तो पैसे देने के तरीके, तो मैं एक तो हो सकता है कि किसी बच्चे को दूं। हाँ, मैंने एक बच्चे को दिए, उसने उसके पीछे वाले को, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे, मैंने एक बच्चे को दिए और बोला लास्ट वाले को पैसे दे दे, उसने उसके पीछे वाले को ऐसे करके वन बाय वन ट्रांसफर करे, कोई भी बच्चा उठ के नहीं गया। हर बच्चा टर्न हुआ, पीछे वाले को दिए, उसने उसके पीछे वाले को, उसने उसके, तो ऐसे करके पैसा पूछा। इसको बोलते कंडक्शन। तो पैसा देने के तरीके कंडक्शन। मैंने एक बच्चे को दिए कि यार उस लास्ट वाले बच्चे तक पैसा पहुंचा दे, और वो खुद चल के चला गया। एक बच्चे को पैसे दिए कि यार उस लास्ट वाले तक पहुंचा दे, वो उठा और उसने जाके लास्ट वाले को दे दिए। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में चला नहीं लेकिन मुझे लोगों की जरूरत थी, और कन्वेक्शन में लड़का खुद चल के गया, एक्चुअल मोशन करा। तो जब पार्टिकल एक्चुअल मोशन करके हीट ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते बेटा कन्वेक्शन। एक होता है मैंने 100 की नोट ऐसे करके और यूं फेंक दी कि ले बेटा यूं, क्लियर है, फेंकनी नहीं चाहिए लेकिन फेंक के पहुंचा दी। तो मैं बोल दूं बेटा ये हो गया रेडिएशन। तो कंडक्शन हो गया जिसमें पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर हुआ, कोई भी उठ के नहीं गया। तो मीडियम के पार्टिकल जरूरत पड़ती है पर मूव नहीं करते। जैसे टिकट विंडो पर मैंने धक्का दिया पीछे से, तो धक्का दिया तो याद है सारे बच्चे, एक टिकट विंडो पर धक्का दिया मैंने पीछे से, तो एक लड़का आगे गया जिसको मैंने धक्का दिया, उसने पड़ोसी को दिया, वो आगे ऐसे ऐसे सारे मोशन करेंगे और आगे वाले का सिर फूट जाएगा, आगे वाले का सिर फूट जाएगा। तो क्या बोल दो, हर लड़का अपनी जगह पर है, बस वाइब्रेट हो रहा है। देखो हर लड़का अपनी जगह पर है, वाइब्रेट हो रहा है, और वो वाइब्रेट हो रहा है तो पड़ोसी को भी वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या बोल दू, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं पर एक्चुअली मूव नहीं करते, उनका हमेशा रहते वहीं के वहीं है, और हीट आगे जाती है। इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो हीट देने के तरीके, किसी ऑब्जेक्ट तक हीट पहुंचाने के तरीके तीन होते हैं, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। ये पूरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर नाम से, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये देखो आ जाओ, तो पहले अपन हीट को कैटेगराइज करते हैं। इधर देखो हीट को कैटेगराइज करते हैं। तो बोल दो हीट में अपन अभी देखते क्या होती है हीट, ठीक है। तो एक तो हीट देने के तरीके, हीट देने के तरीके, हीट देने के तरीके, देने के तरीके, यस। और ये कौन कौन से बेटा, कंडक्शन। इसको ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे अपन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नाम से चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हीट कैसे कैसे दे रहे वो पढ़ेंगे, तीन तरीके, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। ओके, अब आपने हीट दे दी, मान लो उस लड़के तक पैसा पहुंच गया, वो उस पैसे का क्या करेगा? भैया आपने किसी तक पैसे पहुंचा दिए, अब वो उस पैसे का क्या करेगा?
ये अपन पढ़ेंगे बेटा, तो इसमें दो बातें, हीट किसी ऑब्जेक्ट को मिल जाती है तो दो बातें, या तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, गर्म होता है, या स्टेट चेंज करता है। इधर देखो, तो एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन, ये तो हो गया मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। किसी को हीट मिल गई, ए हीट मिलने पर, हीट मिलने पर, मिलने पर दो बातें करेगा। ए इधर देखो, हीट मिलने पर तो या तो टेम्परेचर बढ़ाएगा और या करेगा स्टेट चेंज, स्टेट चेंज, ये देखो स्टेट चेंज या टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है। स्टेट चेंज में याद है, या तो बनेगा सॉलिड टू लिक्विड और या बनेगा लिक्विड टू गैस, याद आया। कई बार सॉलिड से गैस भी बन जाता है, जैसे कपूर, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है, सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। बेटा कई चीजें ऐसी होती है जो सॉलिड से सीधी गैस बनती, लिक्विड बनती नहीं है, कपूर तो हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है वो, ठीक है यार। अपना तो ये तो हीट लेने के बाद मिलने पर बिहेवियर, किसी बच्चे को पैसा मिल गया तो दो बातें, या तो मार्केट में उड़ाएगा या गुल्लक में डाल देगा। तो यहां पर दो चीजें होती है पैसा मिलने के बाद, या तो वो टेम्परेचर बढ़ाता है या स्टेट चेंज करता है। ये पूरा चैप्टर है कैलोरीमेट्री, ये पूरी स्टडी है कैलोरीमेट्री, ये अपना एक चैप्टर में पढ़ना है कैलोरीमेट्री, ये दोनों। तो ये तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये हो गया अपना कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, यस सर। तो एक चैप्टर होगा हीट देने के तरीके, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, फिर हीट मिलने के बाद टेम्परेचर बढ़ना या स्टेट चेंज होना, कैलोरीमेट्री, ठीक है साहब। अच्छा, टेम्परेचर के इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ने के इफेक्ट, तो अब यहां पे पढ़ेंगे इफेक्ट, एक चैप्टर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट, यहां पे पढ़ेंगे अपन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इफेक्ट, देन इफेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इफेक्ट, ये पढ़ेंगे बेटा किसमें, ये पढ़ेंगे अपन थर्मल एक्सपेंशन में, ए थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। तो एक चैप्टर पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को हीट मिल गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसका एरिया बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये थर्मल एक्सपेंशन, ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट का पूरा एरिया ही बढ़ जाएगा और पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विड फैलेंगे, सॉलिड फैलेंगे, सॉलिड लिक्विड फैलेगा, गैस वाला पूरा अलग पढ़ेंगे, ठीक है थर्मल एक्सपेंशन। अब गैसियस सिस्टम का अलग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ए थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, ये एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो एक होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, एक होगा थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनेमिक्स केटीजी में पूरा गैस रिलेटेड, ए गैस रिलेटेड, ठीक है। इसमें ज्यादातर गैस रिलेटेड, गैसियस सिस्टम को हीट देंगे, ये थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर का इफेक्ट, ये है कैलोरीमेट्री जिसमें या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टेट चेंज होगा उसका हिसाब किताब, और ये है हीट देने के तरीके मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ये पूरी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ये लिखना नहीं है, ये तो अपन समझ रहे हैं, ये है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कितने लोगों को समझ आया हीट में क्या क्या पढ़ना है, हीट देने के तरीके, आने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना या स्टेट चेंज होना, टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपेंड करना और गैसियस सिस्टम को हीट देना, ये सारे चैप्टर है, चले आगे। अब कोई सा भी चैप्टर पढ़ो अपने को टेम्परेचर में नापना पड़ेगा, चाहे गैस का पढ़ो चाहे थर्मल एक्सपेंशन पढ़ो, हमें जगह जगह टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है टेम्परेचर, कैसे उसको मेजर करते हैं, क्या होती है हीट, सारी बातें करते हैं, आ जाओ। कितने लोगों को ये मैप क्लियर हो गया, कितने लोगों को ये मैप क्लियर हो गया, कितने लोगों को मैप क्लियर हो गया कि हमारे को किन किन रास्तों पर जाना है, फटाफट बता दो। कितने लोगों को ये क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हीट देनी है, टेम्परेचर या स्टेट चेंज करवानी है, टेम्परेचर बढ़ने पर इफेक्ट देखने हैं, एक्सपेंशन देखना है और गैसियस सिस्टम को हीट देनी है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब अपन स्टार्ट करते हैं
टेम्परेचर क्या होता है बताओ, टेम्परेचर क्या होता है? देखो हम कैसे महसूस करते, सुनना, इधर देख। ये जैसे मान लो मम्मी ने दूध की भगोनी रख दी, ये मम्मी ने दूध का कंटेनर रख दिया गैस पर, यस सर, और अभी गैस बंद है, ये गैस पर दूध का कंटेनर रखा, ये दूध पड़ा इसमें। याद है कई बार हमने दूध की भगोनी गैस पे पड़ी है, ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में हाथ से उठा ली, और अनफॉर्चुनेटली मम्मी ने अभी दूध गर्म किया था। याद है कई बार कंटेनर गैस पे रखा होता है, हम जल्दी जल्दी में आके कंटेनर को उठा लेते हैं, तो याद है भयंकर दर्द होता है। याद है हम एक हॉटनेस फील करते हैं, याद है एक होता ना वो क्या बोलते अपन, एक टेम्परेचर का जर्क फील करते, याद है एकदम से झटका महसूस करते, गर्म का गर्मपन का झटका महसूस करते। बताओ आपको कैसे महसूस हुआ वो गर्म है, आपको कैसे महसूस हुआ कि भगोनी गर्म है, आपको उसके गर्मपन का एहसास कैसे हुआ, क्या प्रोसेस हुई कि आपको गर्मपन लगा, बताओ, कोई बताएगा, कोई बताएगा आपको गर्मपन का एहसास कैसे हुआ? चलो बायोलॉजी के, हाँ कैसे फील हुआ, ये क्या अंग्रेजी सिखा रहे हो मेरे को, रिफ्लेक्स एक्शन हो रही है वो। आओ, ए, हमने हीट को फील कैसे करा बताता हूं बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो इसके मॉलिक्यूल एटम से, हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है, तो कंटेनर गर्म है तो उसके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, इस कंटेनर के मॉलिक्यूल थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो मैं बोल दूं, ए, कंटेनर के मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तगड़े वाइब्रेट कर रहे क्योंकि गर्म है, जितना गर्म चीज होती है उतनी वाइब्रेट करती है। जैसे हमारा हार्ट टच हुआ, वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी में चमड़ी को ट्रांसफर हो गए, हमारी स्किन को ट्रांसफर हो गए, तो जैसे ही हाथ हमारा टच हुआ, हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगे, और वो वाइब्रेशन माइंड तक चला गया, मतलब माइंड ने रीड कर लिया उस वाइब्रेशन को, और हमें तुरंत, हमने हमें तुरंत माइंड ने यह इंस्ट्रक्शन दिया कि हाथ छोड़ दे बेटा जल जाएगा। क्लियर है, बोलो, हाँ। तो बेटा हमारे वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हुई, तो बेटा वो जो वाइब्रेशन थे वो हमारे हाथ ने महसूस करे, क्योंकि जो कंटेनर के वाइब्रेशन थे वो हमारे हाथ के मोलिक्यूल को वाइब्रेट या एटम्स को वाइब्रेट कराने लग गए, और उससे सिग्नल ट्रांसफर हुआ। ओके, ठीक है साहब, अब आ जाओ। तो टेम्परेचर बेसिकली, अच्छा आइस में हाथ लगाते तो कोल्डनेस फील होती है, तो टेम्परेचर बेसिकली हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, ये आ जाओ, का मेजरमेंट होता है। हम नहीं बोलते कोई चीज ज्यादा गर्म होती तो भयंकर झटका लगाया, कम गर्म होती है, याद है ग्लास कम गर्म होती तो हम कहते हैं, मम्मी बोलती बेटा दूध गर्म तो नहीं है, हम बोलते नहीं नहीं मम्मी काम चला लेंगे, और उस गर्म को पकड़ के हम अपन पी लेते हैं। तो कम गर्म, ज्यादा गर्म, तो कम गर्म होगा तो वाइब्रेशन छोटे होंगे, तो उसका सेंसेशन इतना तेज पैदा नहीं होगा, लेकिन ज्यादा गर्म होगा दूध तो वाइब्रेशन तगड़े, सेंसेशन तगड़ा ट्रांसफर होगा, तो जितना ज्यादा गर्म उतने तेज वाइब्रेशन। ओके, तो ये देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होती है, यस सर, पढ़ा चुका हूं, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होती है, और ये हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है। तो टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है, ये मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये देखो टेम्परेचर इज मेजर ऑफ, रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ओके, इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन, ओके, ये दो पॉइंट है, ये दोनों ध्यान रखोगे, ओके सर, बस और इनको अंडरलाइन कर लो, ए रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा हीट क्या होती है, याद है हीट होती है ट्रांसफर होने वाली एनर्जी, हीट क्या होती है ट्रांसफर होने वाली एनर्जी बेटा, मैकेनिकल नहीं, ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इधर देखो, इधर देख, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ऑब्जेक्ट है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ऑब्जेक्ट है, जब हम इन दोनों को टच कराएंगे तो बोल दू बेटा, ये देखो टच कराएंगे तो हीट इधर ट्रांसफर होगी, हीट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, जो ज्यादा गर्म है
उसके वाइब्रेशन, बेटा मैंने अभी बताया था टेम्परेचर 100 का मतलब वाइब्रेशन तगड़े, 0 का मतलब वाइब्रेशन मतलब 0, एब्सोल्यूट 0 होता तो वाइब्रेशन 0 होते, इसको केल्विन में बदलेंगे अभी तो वाइब्रेशन है, तो बोल दू इसके वाइब्रेशन तेज है इसके धीरे, ये देखो ये धीरे तेज, बेटा इसके वाइब्रेशन तेज है, तुम ना कैसे हीट ट्रांसफर होती है ये, और इसके धीरे हैं, तो बोल दू ये इससे टकरा टकरा के दोनों के वाइब्रेशन एक जैसे हो जाएंगे फाइनली, टकरा टकरा के ये आपस में टकरा टकरा के धीरे वाले के तेज होंगे, तेज वाले के धीरे होकर दोनों एक जैसे हो जाएंगे, यस फाइनली दोनों के वाइब्रेशन एक जैसे हो जाएंगे, यस। तो क्या बोल दू बेटा हीट हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ फ्लो होगी, यस। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इसको हीट बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हीट बोलते हैं। तो हीट क्या है, वो एनर्जी जो हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ ट्रांसफर हो, ट्रांसफरेबल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो मैं बोल सकता हूं ट्रांसफरेबल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो क्या है बेटा एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये हीट क्या है बेटा एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट, और इसकी यूनिट वही जूल, एसआई यूनिट जूल होती है इसकी, यस सर एसआई यूनिट जूल होती है, ओके ठीक है सर, और कैलोरी और जूल में रिलेशन होता है, कैलोरी ये अपने देखना कोई भी चॉकलेट लाते हो चिप्स लाते हो उन सब के पीछे एनर्जी कैलोरी में लिखी होती है, किलो कैलोरी 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 में, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है ना, और इसको अप्रोक्सीमेटली अपन लेंगे लगभग 4.2 जूल, ये कैलकुलेशन पर्पस से ये लेते हैं अपन, कैलकुलेशन पर्पस से ये लेते हैं, क्लियर है, हेलो क्लियर है बेटा, तो हीट होती है एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है, ओके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, आ जाओ अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर, अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर, ये देखो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर, यस सर, टेम्परेचर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को थर्मोमीटर बोलते हैं, अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर है, अलग अलग टाइप की टेम्परेचर स्केल है, डिग्री केल्विन फारेनहाइट, ये तीन तो तुमने सुनी होगी, डिग्री केल्विन फारेनहाइट, अभी देखते क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अब आपको टेम्परेचर स्केल बनानी है तो आपको 2 पॉइंट फिक्स करने पड़ते हैं, हर टेम्परेचर स्केल पर 2 पॉइंट फिक्स करने पड़ते हैं और उनमें कंपेरिजन करना पड़ता है, वो एक पॉइंट फिक्स करता हूं मैं, ये लोअर फिक्स पॉइंट है और ये है अपर फिक्स पॉइंट, ये है अपर फिक्स पॉइंट, ये है लोअर फिक्स पॉइंट और ये है अपर फिक्स पॉइंट, ये होता है बेटा आइस पॉइंट बोलते हैं इसको, ये वाटर का जो आइस पॉइंट है, तो याद है आइस पॉइंट या फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, ये 0 है, ये आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, यस सर, और ये अपना डिग्री में 0 होता है, तो अलग अलग स्केल का बेटा आप कोई सी भी स्केल बनाओ, आपका आइस कितने पर फ्रीज हो रहा, मतलब आइस कितने पर मेल्ट या वाटर कितने पर फ्रीज हो रहा है, वो टेम्परेचर सारी स्केलों में देख लो बेटा, डिग्री में हमारा आइस याद है 0 डिग्री पर मेल्ट होता है या पानी 0 पर जमता है, तो डिग्री में आइस पॉइंट है 0 डिग्री, ऐसा ही केल्विन का देख लो तो वो है 273 डिग्री के आसपास, और यही फारेनहाइट में देख लो तो है 32 डिग्री फारेनहाइट, तो सारी स्केलों का लोअर पॉइंट आ गया, सारी स्केलों का अपर फिक्स पॉइंट ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, जो डिग्री में 100 होता है केल्विन में 373 होता है और फारेनहाइट में 212 होता है, ये पता होना चाहिए ये, तो बेटा ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट और आइस पॉइंट, तो सारी स्केलें
इसमें आइस कब मेल्ट होता है से स्टार्ट करके वाटर कब बॉइल होता है, तो ये दोनों टेम्परेचर सारी स्केलों के पता कर लो, तो हम स्केल में रिलेशन बना लेंगे। ए लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट पता होगा तो सारी स्केलों में रिलेशन बना लेंगे कि कोई चीज डिग्री में इतनी है तो केल्विन में कितनी होगी, कोई चीज डिग्री में इतनी है तो फारेनहाइट में कितनी होगी। सर कैसे बना लोगे देखते, कितने लोगों तक, कितने लोगों को यह समझ में आया कि दो पॉइंट फिक्स कर लो भैया, आइस कौन से कौन सी स्केल पर कितने पर आइस फ्रीज हो रहा है, मतलब मेल्ट हो रहा है, वाटर फ्रीज हो रहा है, ये सारा पता कर लो सारी स्केल का, और कितने पर वाटर बॉइल हो रहा है ये पता कर लो, तो मुझे पता पड़ जाएगा ना कि डिग्री में जीरो से हंड्रेड पहुंचने पर दूसरी स्केल में कहां से कहां पहुंचे। भैया मैं 100 मीटर चलाऊं तब तू चलता है 200 मीटर, तो तेरी स्पीड डबल हो गई ना मेरे से, मुझे आइडिया लग गया। जितनी देर में मैं 100 मीटर चलता हूं, जितनी देर में हमारा 0 डिग्री का वाटर बॉइल करता है, उतने ही टाइम में भाई जितना डिग्री में 0 से 100 होता है दूसरी स्केल का टेम्परेचर देख लो। बेटा जितने टाइम में मैं 0 से 100 चला उतने टाइम में तू 0 से 200 चला, तो मैं बोल दू बेटा तेरी रफ्तार डबल है। ऐसे पता कर लो किस स्केल की रफ्तार कितनी है, डिग्री में जब 100 चलते हैं तो फारेनहाइट में कितने चले, केल्विन में कितने चले, इससे रिलेशन मिल जाएगा कि भैया मैं इतना चलता हूं तो तू इतना चलता है। आ जाओ देखते, आ जाओ। ये बेटा सारी स्केल के आइस और वो पॉइंट देखो, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, ठीक है, ये आइस पॉइंट हो गए सबके और ये बॉइलिंग पॉइंट हो गए। देखो डिग्री में होता है 0, डिग्री में आइस पॉइंट होता है 0 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। यस सर, ये देखो 0 और 100, ये 100। यस सर, क्लियर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आइस पॉइंट। यस सर, और इसमें केल्विन में होता है 273। प्रिय केल्विन में होता है 273 केल्विन, ये सारे आइस पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। मैं बोल दूं जब डिग्री में 100 बढ़ता हूं तो केल्विन में भी 100 बढ़ रहा हूं, देखो डिग्री में 100 बढ़ता हूं तो केल्विन में भी 100 बढ़ रहा हूं, तो मैं बोल दूं डिग्री और केल्विन सेम रफ्तार से चलती है। देखो डिग्री में 100 केल्विन में भी 100, देखो ना बेटा ये डिफरेंस 100 का ही तो है, ये देखो 100। बेटा ये 100 का ही तो है, ये भी 100 है, देखो ये भी 100 है, तो बोल दू इधर 100 चलता हूं तो इधर भी 100 चलता हूं, बस यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट 273 है, मैं 0 से 100 चलता हूं तो 273 से 373 चलता है, तो बोल दू अपनी रफ्तार तो सेम है, बस तेरी स्टार्टिंग पॉइंट आगे है तो तेरा फिनिशिंग पॉइंट भी आगे होगा, पर चलते सेम रफ्तार से। देख मैं यहां से चलता हूं तू आगे से चलता है, ये देखिए रहा तू, ये रहे आप और ये रहा मैं, ये से चलते हैं। वनडी में ओके सर, क्लियर है, अच्छा बता इधर देख, मैं अगर इधर देख कॉमन सेंस से करता है, भी कोई रिलेशन नहीं, इधर देख मैं अगर बेटा 40 डिग्री पर पहुंचूंगा, वाटर का टेम्परेचर 40 पे पहुंचेगा तो बता यहां कितना पहुंचेगा, तो बोल दू 273। सुनना मैं ये रहा मैं, ये देखो ना ये मैं, ये आप, ये देखो ये मैं, ये आप, ये मैं पीछे हूं आप, मैं 40 चलूंगा तो बोल दू आप भी 40 चलोगे, देखो मैं 40 चलूंगा तो आप भी 40 चलोगे। यस सर, मैं 40 चलूंगा तो आप भी 40 चलोगे, तो यहां से 40 ऊपर जाओगे तो देखो 273 से 40, क्योंकि रफ्तार सेम है अपनी, तो 273 से 40 जाओगे तो बोल दो 313 आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? बेटा सोच के कर रहे हैं अपन, कोई फॉर्मूला नहीं बनाया अभी तक मैंने, सोचना सिखा रहा हूं। तो बोल दो जब मैं 0 से 40 जाऊंगा आप 273 से 40 जाओगे, क्योंकि हमारी रफ्तार सेम है। बिना पेन चलाए क्वेश्चन करो, बिना पेन चलाए, कितने लोगों को मजा आ रहा है, आप पीडब्ल्यू स्केल भी बताऊंगा कितने लोगों को आनंद आ रहा है, चलो अभी बाद में बात करेंगे। हाँ अब देखो
फारेनहाइट देखो, फारेनहाइट देखो, 32 312, देख 32 312 फारेनहाइट में आइस पॉइंट है 32, ये देखो ये 32 फारेनहाइट, सुनना चुपचाप, ये तो हो गया, ये हटा रहा हूं, इसको कंपेयर करते आ जा, चुपचाप सुनते जाना, जल्दीबाजी मत करना, तो जल्दीबाजी हम नहीं आप करते हो, ये देख 32 फारेनहाइट, ये 32, और ये है बेटा 212। अब सुनना, जब आइस आइस मेल्ट होता है तो डिग्री में जीरो होता है और फारेनहाइट में 32 टेम्परेचर होता है। अब मैं बोल दूं बेटा मैं 100 भागा तो तुम कितने भागे, देखो मैं बोल दूं यहां से लेके यहां तक बताओ कितना है ये, मैं बोल दूं 180, बताओ कौन सी स्केल फास्ट है, कौन सी स्केल फास्ट चलती है, ये रहा मैं जीरो, ये रहा मैं जीरो, और ये रहे आप 32 पे, आप मेरे से आगे खड़े हो और चलते भी फास्ट हो, देखो चलते भी फास्ट हो, देखो कितना फास्ट, मैं बोल दूं 1.8 टाइम्स फास्ट, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, क्या मैं बोल दूं फारेनहाइट की स्केल 1.8 टाइम्स फास्ट है, जब मैं 100 ए वॉटर बॉइल, जीरो डिग्री से वॉटर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, आइस से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, फारेनहाइट में 180 चल लेते हो, ए बेटा फारेनहाइट में 180 चल लेता है, फारेनहाइट में 180 चल लेता है, तू डिग्री में 100 फारेनहाइट में 180, फारेनहाइट फास्ट है 1.8 टाइम्स फास्टर है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन, ए बिना पेन चलाए क्वेश्चन करूंगा, वादा है मेरा, बिना पेन के क्वेश्चन होएगा, हेलो हाँ, और देख सुन इधर देख, फारेनहाइट फास्ट है और आगे भी है, 32 आगे भी है, देखो 32 आगे भी है और फास्ट भी है, अरे फॉर्मूला तो एक लाइन में, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, अरे बता दूंगा मरे जा रहे हो फॉर्मूले के लिए, ये देख मैं बोल दू फारेनहाइट आगे भी है और फास्ट भी है, फारेनहाइट आगे भी और फास्ट भी है, अब आ जाओ दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, हाँ इधर देख, ए इधर देख, यहां 10 डिग्री चला मैं, 10 डिग्री चला, 10 डिग्री तो बता उधर कितना चलूंगा, 10 डिग्री चला यहां, डिग्री में 10 डिग्री चलूंगा तो बता यहां कितना चल लूंगा, पहले बता कितना चल लूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरी जीरो है बेटा, दोनों जगह वाटर मेल्ट हुआ, फ्रीज वाटर आइस मेल्ट हुआ, आइस मेल्ट हुआ, जीरो था, अब मैं डिग्री में चला 10 तो फारेनहाइट में कितना चलूंगा, डिग्री में चला 10 तो फारेनहाइट में कितना चलूंगा, हाँ 18, फारेनहाइट में 18 चलूंगा, देखो ये 10 तो मतलब ये देखो ना यहां से यहां 10, ये 10 तो यहां पे चलूंगा 18, तो बताओ ये टेम्परेचर कितना होगा, तो ये तो जीरो से बढ़ के 10 हुआ, तो बताओ यहां कितना आएगा फारेनहाइट में, कितना आएगा यहां, कितना आएगा, तो बोल दू 32 से स्टार्ट है, मैं चला जीरो से 10 तो तुम चले 32 से 18, मैं चला जीरो से 10 आप चले 32 से 18, आप 32 से 18, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए आंसर आया है, बिना विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, जब मैं चला 10 तू चला 18 तो मैं बोल दूं आप चले कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट 32 है तो 32 प्लस 18 50, कितने लोगों को समझ आ गया, कितने लोगों को आनंद आ गया बिना पेन चलाए,
कितने लोगों को आनंद आ गया फटाफट कमेंट करो, कितने लोगों को मजा आ गया। अभी पीडब्ल्यू स्केल समझूंगा। बेटा मेरी बात सुन, तेरे को पेन नहीं चलाने दूंगा, वादा है मेरा। एग्जाम में, नीट एग्जाम में 50 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन तुम बिना पेन चलाए करोगे, मेरा वादा है तुम्हारे से। मेरा वादा है तुम्हारे से 15 से 20 क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए ऑप्शन कैंसिल कर दोगे, आई प्रॉमिस यू। बस रेगुलर क्लासें लीव ही होनी चाहिए, रेगुलर क्लासें लेनी लीव ही होनी चाहिए। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा लो, कैपेसिटर का क्वेश्चन एमए लॉजिक से हो रहा है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन एमए लॉजिक से हो रहा है, वी से ज्यादा टू वी से कम, कभी खुशी कभी गम, 4/3 भी आंसर था। लास्ट ईयर का पेपर उठा एवरेज वेलोसिटी, आप तो मैंने जो पढ़ाया वही आया उस, वो देखो सब पता पड़ जाएगा। जो पढ़ाया वो 96 अभी भी गधे हैं, 4% गधे हैं क्लास में। अच्छा ये रीमर स्केल और रैंकलिन, रीमर और रैंकलिन ये कम काम आती है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। पर हाँ बेटा कभी अंटसंट कुछ भी पूछ ले तो ये पता होना चाहिए, वैसे वो एग्जाम में देगा। अगर रीमर और रैंकलिन स्किल पूछी तो वो इनके आइस और बॉइलिंग पॉइंट देगा। अब पीडब्ल्यू स्केल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर लाइफ। यस पीडब्ल्यू स्केल, पीडब्ल्यू की स्केल बना दी अपन ने, आ जाओ ठीक है साहब। सर क्या स्केल बनाई, आ जाओ उनके आइस पॉइंट, ए पीडब्ल्यू स्केल पर आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिए। तो पीडब्ल्यू स्केल पर आइस पॉइंट जो हमने देखा कि जो हमारा आइस मेल्ट होता है वो 10 पीडब्ल्यू स्केल पर मेल्ट होता है, और वाटर बॉइल होता है 90 पीडब्ल्यू स्केल पर। तो वाटर जो बॉइल होता है वो 90 पीडब्ल्यू स्केल पर होता है। तो मैं बोल दू पीडब्ल्यू स्केल थोड़ी स्लो चल रही है, देखो जब हम 0 से 100 जाते हैं तो पीडब्ल्यू स्केल 10 से 90 यानी कि 80 चलती है। मैं बोल दू 0.8 की रफ्तार से चल रही है। चलो पीडब्ल्यू स्केल पर एक क्वेश्चन करते, आ जा। ए इधर देख, चला जाओ। अब मुझे बताओ अगर मैं डिग्री में 50 डिग्री पर पहुंचता हूं, 50 डिग्री पर, ये यानी कि 50 ऊपर जाता हूं, 0 से 50 मतलब 50 ऊपर गया, तो बताओ पीडब्ल्यू स्केल में। तो बोल दू ये 100 चलते हैं तो यहां पर 80 चलते, देखो यहां 100 चलते तो यहां 80 चलते, देखो। तो बोल दू ये स्केल 0.8 टाइम्स चलती है, ए बेटा तू जब 100 चलता है तो पीडब्ल्यू की स्केल 80 चलती है, 10 से 90 80 तो चले, पीडब्ल्यू की स्केल देख स्लो है थोड़ी सी, ए पीडब्ल्यू की स्केल स्लो है देख। यस सर, तो बोल दू 0.8 टाइम्स की रफ्तार है, ठीक है। तो मैं बोल दू जब मैं 50 ऊपर गया तो पीडब्ल्यू की स्केल में 0.8 टाइम्स जाऊंगा, तो 50 × 0.8। जब डिग्री में 50 चलता हूं तो पीडब्ल्यू की स्केल पे 0.8 टाइम से चला तो 40 चला, तो मैं बोल दू 40 चला। यस सर, तो मैं बोल दू यहां से 40 चला। यस सर, और जैसे ही 40 चला तो 10 से 40 चला तो 50 पीडब्ल्यू आ गया। तो मैं बोल दू 50 डिग्री पर पीडब्ल्यू का स्केल भी 50 ही शो कर रहा है, क्योंकि थोड़ा आगे तो थे तुम लेकिन मेरी रफ्तार तेज थी तो अपन मिल गए। तुम आगे तो थे पर मेरी रफ्तार तेज थी तो अपन मिल गए, कब? जब मैं 50 चला तुम 40 चले और अपन 50 पे मिल गए। बोलो बेटा, बोलो बेटा, कितने लोगों को समझ आ गया कि पीडब्ल्यू स्केल 0.8 टाइम्स चल रही है? यस खत्म, ओके ठीक है साहब। अब सर फॉर्मूला बताओ, ये तो अपन ने दिमाग लगा लिया, फॉर्मूला बताओ सर। ये लो, चलो फॉर्मूला देखते हैं। ये रैंकलिन और रीमर के भी ये ठीक है साहब, तो ये रहने दो आप, ठीक है। ये कोई भी स्केल है वो पीडब्ल्यू की जगह कोई भी स्केल दे देगा, ओके। चलो क्वेश्चन देखते हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं।
तो देखो अब जिनको फॉर्मूले से करने हैं तो ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, देखो ये रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, क्या होता है बेटा, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर, ये लो मैं लिख देता हूं इधर देखो, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, यह लिख दो रिलेशन बिटवीन, फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल है ना, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर, फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, रिलेशन बिटवीन रीडिंग ऑन, फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन रीडिंग ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, ये ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल पर अपने को जो रिलेशन बनाना उसके लिए फॉर्मूला, तो ये होता है, ये देखो रीडिंग किसी भी स्केल पर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट वही आइस पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये वही है देखो, लोअर से देखो ना रीडिंग, तो लोअर से कितना ऊपर गए, तो रीडिंग माइनस लोअर, ठीक है साहब, बराबर कांस्टेंट, ये होता है। खैर छोड़, अभी तो इसको मैं ग्राफ से समझाऊंगा, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है, ये फॉर्मूला, ये अब आ जाओ डिफरेंट आ जाओ, तो मैं बोल दू फॉर डिग्री, तो डिग्री के लिए लिखो, तो डिग्री की रीडिंग को लिख दिया डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री के लिए लिख रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट जीरो, बेटा सारी स्केल के लिए कांस्टेंट होगा, इसको मैं समझाऊंगा फॉर्मूला कहां से आया, पहले फॉर्मूला लिख लो, तो बोल दू रीडिंग हो गई डिग्री में डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट हो गया जीरो डिग्री का, और फिर अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर, तो अपर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस जीरो, यस सर, ये आ जाएगा 100 माइनस जीरो। ऐसे ही केल्विन के लिए, केल्विन की रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273, केल्विन में बेटा लोअर फिक्स पॉइंट 273, अपर फिक्स पॉइंट 373 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273, एम आई राइट सारी स्केल के लोअर और अपर फिक्स पॉइंट रख दो, ये सबका ये रेशो कांस्टेंट होता है। आ जाओ फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, याद है फारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है और अपर फिक्स पॉइंट 212 होता है, यस सर, अपन तो बिना इसके ही कर लेंगे, यस सर, और पीडब्ल्यू स्केल, तो पीडब्ल्यू स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 10 है, तो ये डिग्री पीडब्ल्यू माइनस 10 अपॉन 90 माइनस 10, एम आई राइट ये सारी स्केल के रिलेशन बन गए। अब करो इसको सोल्व, तो ये आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड बाय 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू डिग्री पीडब्ल्यू माइनस 10 डिवाइड बाय 80। अब ये जीरो काट दो और 2 से कैंसिल कर दो सबको, 2 से कैंसिल कर दो, तो यहां 5 बचेगा, यहां 5 बचेगा, यहां 9 बचेगा और यहां 4 बचेगा, यस, तो ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, यस सर, बराबर केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 5 बराबर डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू डिग्री पीडब्ल्यू माइनस 10 बाय 4, ये बन गए स्केल में रिलेशन।
ये, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और ये बेसिक है इसका। मैं सजेस्ट करता हूं बस ये ध्यान रखो, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है और बाकी तो मैंने बता दिया कैसे करना है। क्वेश्चन देखें, बहुत सारी थ्योरियों के क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताता हूं ये रिलेशन कैसे आया, कैसे आया वो भी बताता हूं। ओके सर, बेटा ये रिलेशन भी बताता हूं कैसे आया। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते आ जाओ, ये करो क्वेश्चन करो, ए बहुत हो गई रामायण क्वेश्चन करो। कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फारेनहाइट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करो। हाँ बोलो, याद है, ए रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। यस सर, तो ये आ जाएगा रीडिंग। रीडिंग किस में निकालनी है, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन, याद है फारेनहाइट में 180 आता है, ये 212 माइनस 32। और नहीं तो ये कर लिया अपन ने, डायरेक्ट लिखो। यस सर, आ जाओ डायरेक्ट, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, ये रहा ना डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, ये यूज कर लो, ए, दो से ये डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 से कट, 180 कटता था तो 9 आता था। यस सर, एम आई राइट, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 बराबर डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ओके यस सर, कितना आ जाएगा ये, तो यहां पर लिखो 40, डिग्री में 40 है टेम्परेचर, तो फारेनहाइट में देखते ये, तो ये कट जाएगा 8 बार, ये आ जाएगा 72 बराबर डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, तो कितना आ जाएगा ये डिग्री फारेनहाइट, मेरा तो 104 आ रहा है, ये आ जाएगा बेटा डिग्री फारेनहाइट बराबर 104, डिग्री फारेनहाइट में 104। हेलो, हाँ ऐसे करेंगे अपन, ये देखो आंसर तो आ गया अपना सेकेंड, ए इतने लोगों ने गलत करा है। अब देखो, ए 32 छोड़ना भूल गए, दिल गलती कर बैठा, 32 छोड़ना भूल गए, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती, ए इसका मतलब दिमाग लगाने से गलती कर दी तुमने, दिल गलती कर बैठा। यस सर, ओके, ये क्या जोबनजीत, मयंक, रोन फुकन, मयंक फ्रॉम पिंक सिटी, मनिक था मनिक मजुमदार, रोन फुकन, मयंक और नितिन सिंह। ओके अच्छा बताओ, ए यहां क्या मिस्टेक कर दी आपने, क्या मिस्टेक कर दी बताता हूं, ए अपन ऐसे नहीं करेंगे, इधर देखो मैं बोल दू, ये देखो डिग्री में 40 चले, बेटा डिग्री में 40 चले, याद है 1.8 टाइम्स तेज चलती है, ए या 100 चलते हो तो ये 180 चलते हो ना। यस सर, तो बोल दू 1.8 टाइम्स तेज चलती है, तो यहां पर 40 चले, देखो 40, तो 40 चले तो वहां पर 1.8 टाइम्स तेज चलोगे इंटू 40, तो बोल दू ये कितना जाएगा, ये 72 आएगा, 1.8 टाइम्स करोगे 40 का तो 72 आएगा, पर आप 72 कहां से चले, आगे से 32 से 72 ऊपर जाओगे, तो जिन बच्चों ने 1.8 टाइम्स कर दिया उनका 72 आ गया 32 से 1.8 टाइम्स। यस सर, 32 से 1.8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा बेटा 32 प्लस 72 104, 32 से 1.8 टाइम्स 32 से चलना है, तो 72 तो ज्यादा चलोगे, देखो इधर 40 ऊपर जाऊंगा इधर 72 जाऊंगा, पर जाऊंगा कहां से, 32 से, ये आएगा, तो 32 ऐड नहीं करा आपने। ओके सर,
कितने लोगों को समझ आ गया, कितने लोगों को समझ आ गया, कितने लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई कि हाँ 32 ऐड करना था। स्टार्टिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जल्दी करो, गलती समझ में आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आनंद आ जाएगा बेटा, जल्दी करो। मैं हाँ, 97% लोगों को समझ आ गया। अब देखो बेटा, इसमें एक बात देखो, अब जो गलती करी वो बता देता हूं। ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये देखो, ये क्या लिखा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ही तो है। जीरो से कहां पहुंच गए, यस सर, जीरो से इतना डिग्री पर पहुंच गए, देखो ये, और ये भी इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो ये यहां पर बताता हूं, यही बताता हूं, इधर देख, ये देखो बेटा, ये देखो, ये डिग्री सेंटीग्रेड में जीरो से चले हो आप, जीरो से चले हो डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, तो ये इंक्रीज, इसमें तो सीधा इंक्रीज इन टेम्परेचर, जहां पहुंचे वही है बेटा। जीरो से मैं इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक गया, तो जितना टेम्परेचर है उतना ही इंक्रीज है बेटा, जीरो से ये, ठीक है, और यहां पर चला मैं 32 से, और यहां पहुंच गया ये डिग्री फारेनहाइट पे, तो ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर फारेनहाइट का है, ये इंक्रीज इन डिग्री का है, यस सर, ये तो ये 1.8 टाइम्स होगा। तो देखो, डिग्री फारेनहाइट में इंक्रीज, इंक्रीज इन डिग्री फारेनहाइट, इंक्रीज इन डिग्री फारेनहाइट, इंक्रीज इन डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट का इंक्रीमेंट इज 9/5 टाइम्स। ये देखो ना, ये यहां 5 आता है, यहां आता है डिग्री फारेनहाइट -32, चुपचाप सुनते जाना, अपॉन 9, तो क्या मैं बोल दूं, ये इंक्रीज है, ये देखो ना 32 से F, तो F -32 ये इंक्रीज है, ये देखो, ये इंक्रीज है, ये देखो, ये F -32 ये इंक्रीज है, देखो, हेलो, वापिस लिखता हूं, इधर देख, ये वापिस लिखता हूं थोड़ा साफ सुथरा, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये जीरो, ओके, यहां पर 32 डिग्री फारेनहाइट, और ये F, ये देखो, अब यहां पे आप सुनना, इसमें 100 चलते हो तो उसमें 180 चलते हो, याद है, इसमें 100 चलते हो तो इसमें 180 चलते हो, तो बोल दू इसमें आप 1.8 टाइम्स फास्टर हो, या इसको मैं बोल दू काट के 9/5 टाइम्स, ए 1 और 1.8, 9/5 टाइम्स फास्टर हो, ओके, तो ये देखो, अब देखना, यहां पर आप गए डेल्टा टी बढ़े, तो यहां पर कितना बढ़ोगे, तो मैं बोल दू यहां पर बढ़ोगे डिग्री फारेनहाइट में इतना, तो बोल दू ये हो जाएगा 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज, इंक्रीज इन फारेनहाइट, फारेनहाइट में इंक्रीमेंट विल बी डिग्री में इंक्रीमेंट का 9/5 टाइम्स या 1.8 टाइम्स, ये देखो 1.8 टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन डिग्री बेटा, फारेनहाइट में इंक्रीज डिग्री के इंक्रीज का 1.8 टाइम्स होगा, डिग्री में जो इंक्रीज है उसका 1.8 टाइम्स होगा, और ये आएगा बेटा 9/5, डेसिमल उड़ाओ 9/5, एम आई राइट, तो बेटा आपने इंक्रीज निकाल दिया, ये 72 इंक्रीज इन टेम्परेचर है, जब डिग्री में 40 बढ़ता है तो फारेनहाइट में 72 बढ़ता है, डिग्री में 40 बढ़ेगा तो फारेनहाइट में 72 बढ़ेगा, ओके, यस सर। अब ये देखो, इससे भी आ रहा है, तो ये देखो इससे भी आ रहा है, देखो फॉर्मूले से, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस जीरो अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, ये देखो, इसको लिख दू मैं इंक्रीज इन डिग्री, जीरो से डिग्री, जीरो से इतना डिग्री, तो मैं बोल दू इंक्रीज इन डिग्री सेंटीग्रेड, यस सर, और ये आ जाएगा 32 से F पर पहुंच गए,
इंक्रीज इन फारेनहाइट। यस सर। अब इसको इधर उधर कर दो तो 9 को इधर लिया तो ये आ जाएगा 9/5 इंक्रीज इन डिग्री बराबर इंक्रीज इन फारेनहाइट। ये देखो ये इंक्रीज इन फारेनहाइट, अरे इससे भी निकाल लूंगा, इंक्रीज इन फारेनहाइट इज इक्वल टू इंक्रीज इन डिग्री इंटू 9/5। इतने लोगों के समझ आ गया कि इंक्रीज में भी ये रिलेशन होता है, तो अपन साफ सुथरा लिख देंगे इसको, आगे क्वेश्चन आएगा। कितने लोगों को इंक्रीज वाला रिलेशन समझ आ गया, फारेनहाइट में इंक्रीमेंट डिग्री के इंक्रीमेंट से 9/5 टाइम्स ज्यादा होता है। फारेनहाइट में इंक्रीमेंट डिग्री के इंक्रीमेंट से 9/5 टाइम्स ज्यादा होता है। अरे हाँ आ रहे क्वेश्चन, ए आई वॉन्ट क्वेश्चन फलाना, डिग्री में जो इंक्रीमेंट होता है फारेनहाइट में उसका 9/5 टाइम ज्यादा होता है। ओके चले आगे, ठीक है साहब, ठीक है चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं और। हाँ ये करो, एट वॉट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड एट वॉट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड स्केल एंड फारेनहाइट इज रीडिंग आर सेम। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट की रीडिंग सेम होगी कौन से टेम्परेचर पे बताओ, कितने टेम्परेचर पे डिग्री और फारेनहाइट सेम होते, कितने टेम्परेचर पर डिग्री और फारेनहाइट सेम होते हैं। बोल दो डिग्री बाई 5 इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32/9। कितने टेम्परेचर पर दोनों सेम आएंगे तो दोनों की जगह एक्स एक्स रख दो यूजिंग ये, तो दोनों की जगह एक्स एक्स रख दो। ये दोनों सेम होने चाहिए तो एक्स एक्स रख दो बेटा, दोनों टेम्परेचर सेम सेम आने चाहिए तो एक्स एक्स रख दो। तो यहां से आ जाएगा 9x बराबर 5x माइनस 160। यस तो ये आ जाएगा 4x बराबर माइनस 160, तो मेरा तो x बराबर माइनस 40 आ रहा है, माइनस 40 तो डिग्री में भी माइनस 40 डिग्री और फारेनहाइट में भी माइनस 40 फारेनहाइट। यस सर बी गलत है, बी गलत है तो ना दोनों टेम्परेचर की जगह x रख दो तो डिग्री और फारेनहाइट दोनों में एक्स एक्स। यस सर माइनस 40 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। हाँ मात्र 58% लोगों का राइट है। प्रियांशु, रोमन अहमद, कौशिक सूत्रधार, मनिक मजूमदार और मोहम्मद कासिम अली खान, कितने लोगों को समझ आ गया बेटा, कितने लोगों को यह समझ आ रहा है रिलेशन, कितने लोगों को यह फॉर्मूला समझ आ गया कि दोनों को एक्स एक्स कर दिया। अब देख तेरे को और दिमाग लगा के भी बताता हूं। हां ये दिलशाद अहमद बिल्कुल राइट बात बोल रहा है, देखो कितने लोगों को समझ आ गया, फटाफट आग लगा दो मच्छर बना दो, मजा नहीं आ रहा है, रेस्पॉन्स नहीं आता है तो मजा नहीं आता है, फटाफट आग मच्छर। ये एक बच्चा पूछ रहा सर बालाजी बुक बनाना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है, कोई क्लास नोट्स के क्वेश्चन करो, डीपीपी करो और फिर मॉड्यूल और बुक में से कुछ करना हो तो करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आपको क्लास नोट्स के क्वेश्चन और डीपीपी जरूर करनी है। बहुत इतना बेटा, थोड़ा फटाफट रेस्पॉन्ड करें। ओके हाँ ओके, लगना चाहिए कि आप मौजूद हो क्लास में। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बस 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 बेटा रुलाओगे क्या,
अब इधर देखो, एक कॉमन सेंस देख, एमए कॉमन सेंस, यस ये देख, ए डिग्री में आप जीरो से चल रहे हो ऊपर जा रहे हो, फारेनहाइट में 32 से जा रहे हो ऊपर जा रहे हो। अब यार एक बात बताओ, डिग्री में आप चलते हो और इसमें 1.8 टाइम्स तेज चलते हो, तो यहां पर कभी बराबर हो सकते हो क्या? एक लड़का मेरे से 32 आगे खड़ा है, फारेनहाइट वाला लड़का मेरे से 32 आगे और चल भी तेज रहा है, एक लड़का मेरे से 32 आगे और चल भी फास्ट रहा है, एक लड़का मेरे से 32 आगे और चल भी फास्ट रहा है, तो मैं कभी उसको नहीं पकड़ पाऊंगा। हाँ अगर उल्टा चलू तो पीछे की तरफ जाऊं तो वो मेरे से पहले कभी बराबर रहा होगा, आगे तो वो मेरे से 1.8 टाइम्स तेज चल रहा है और आगे खड़ा है, एक लड़का मेरे से 32 आगे और चल भी फास्ट रहा है तो उसको मैं कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। हाँ पीछे अगर इसी पिक्चर को पीछे बढ़ा दूं तो कभी हम साथ रहे होंगे। अब हमारा गैप बढ़ते बढ़ते इतना आ गया, इसीलिए वो नेगेटिव में आया। क्या मैं बोल दूं, आगे तो वो मेरे से पहले ही आगे खड़ा है और तेज चल रहा है, तो बोल दूं पीछे कभी साथ रहे होंगे, पीछे कभी साथ रहे होंगे, यस सर, तो नेगेटिव आएगा। पीछे कभी, आगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे से आगे निकले हुए को मैं पकड़ लूं। एक गाड़ी सुनो, मेरी गाड़ी चल रही है, पीछे से एक गाड़ी 1.8 टाइम्स रफ्तार से आई और मेरे से थोड़ी आगे निकल चुकी है, तो अब तो और आगे निकलेगी। पहले कभी हम साथ रहे होंगे, ओके। 160 कैसे आया? बहुत बढ़िया, एक बच्चा पूछ रहा 160 कैसे आया, अब क्या करूं उसका मैं बताऊं? ये 9 इधर गया, 5 उधर गया, अब यार ये चीजें तो मैं कैसे बताऊं, कह रहा 160 कैसे आया, हे भगवान बचा लेना। 160 कैसे आया? 5 का मल्टीप्लाई दोनों से किया इसलिए आया, 5 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 32 से भी होगा, और 5 × 32 160 होता है, कैसे आया? क्या पूछ रहे हो? 5 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 32 से भी होगा, तो 5x × −160 आया। तो क्या जवाब दूं इन बातों का? ये लो, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस राइजेस बाय 27, द राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, बोलो केल्विन स्केल पर टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, केल्विन स्केल पर कितना राइज होगा? तो बोल दू केल्विन और डिग्री स्केल तो सेम स्पीड से चलती है, यस सर, ये तो मैं बोल दू ये इंक्रीज इन डिग्री, ये टेम्परेचर इंक्रीज इन डिग्री अपॉन 5, ये इंक्रीज, वो टेम्परेचर नहीं पूछ रहे, टेम्परेचर नहीं पूछ रहे, वो इंक्रीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, राइज इन टेम्परेचर पूछ रहे, राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, बेटा दे आर नॉट आस्किंग टेम्परेचर, दे आर आस्किंग अबाउट राइज इन टेम्परेचर, यस सर, बोल दू सेम आएगा, केल्विन में राइज और डिग्री का राइज सेम होगा 27, यस सर, तो केल्विन में भी 27 केल्विन आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अगर टेम्परेचर सब्सटेंस का 27 डिग्री बढ़ा है तो केल्विन में कितना बढ़ेगा, सेम बढ़ेगा, क्योंकि दोनों स्केल सेम रफ्तार से चलती है, देखो एक जीरो वाली स्केल भी सेम रफ्तार से चलती है और केल्विन वाली भी सेम रफ्तार से चलती है, याद आ गया? ये 100 बढ़ता है तो इधर भी 100 बढ़ता है, याद करो सेम स्पीड से चलती है दोनों स्केल, ओके आ जाओ। कई बच्चों ने 1 भरा होगा, देखो 66% लोगों ने 1 भरा है, 66 का दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती, हाँ, और मात्र 30% लोगों का राइट है एक्यूरेसी। अर्का मित्रा, अक्षय महेश्वरी, जोबनजीत, कौशिक सूत्रधार और फैजा, ये होती है एक्यूरेसी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, राइज इन टेम्परेचर, हाँ अब देखो
इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन टेम्परेचर इन केल्विन, इफ टेम्परेचर इन डिग्री, या चल छोड़, फाइंड आउट इफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट्स टेम्परेचर इन केल्विन, इट्स टेम्परेचर इन केल्विन। अब बताओ इट्स टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, ए 27 केल्विन, बी 300 केल्विन, सी 290 केल्विन, डी 310 केल्विन, बताओ। अब बताओ, अब वो क्वेश्चन है जो तुमने सोचा है, टेम्परेचर अगर डिग्री में 27 है तो केल्विन में कितना होगा? तो याद है अपन 273 ऐड करके कर लेते। यस सर, ये देखो, तो यहां से एक फॉर्मूला भी बना देता हूं, ये देखो, याद है ये फॉर्मूला यूज करते अपन, ये तो अपन वैसे ही ध्यान है अपने को, केमिस्ट्री में भी खूब करा होगा आपने, ये 5 से 5 कट गया तो केल्विन में टेम्परेचर डिग्री प्लस 273, ये देखो 5 से 5 कट गया तो केल्विन में टेम्परेचर जो डिग्री में होगा उसमें प्लस 273। सही बात है, याद है दोनों की स्पीड सेम होती है, और मैं चलता हूं 0 से, केल्विन चलता है 273 से। यस सर, तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। यस सर, तो ये 27 डिग्री में प्लस 273, तो केल्विन में आ गया 300 केल्विन, खत्म। बेटा जब भी डिग्री का टेम्परेचर हो उसमें 273 ऐड कर दो, ओके। यस सर, तो 92% लोगों का अब राइट है। अभी भी क्लास में कितने मूर्ख है देखो आप, प्रियांशु, अर्का, सिग्मा, अनुज ठाकुर, जोबनजीत और मोहम्मद अली, मोहम्मद कासिम अली खान, चले आगे, ये लो ये क्वेश्चन देखो, ए सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट वाले थर्मोमीटर को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, द वॉटर टेम्परेचर इज लोअर्ड, वॉटर टेम्परेचर इज लोअर्ड, तो दोनों का टेम्परेचर अपने पीक पर है, अपर फिक्स पॉइंट पर है, अंटिल द फारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्ड 140 डिग्री फारेनहाइट। तो बेटा वॉटर टेम्परेचर को तब तक गिराते रहे हम जब तक कि फारेनहाइट पर 140 डिग्री फारेनहाइट नहीं आ गया, तो मैं बोल दू वो 212 से घटा है। यस सर, वॉट इज द फॉल इन टेम्परेचर रजिस्टर्ड बाय सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जवाब दो। बॉइलिंग वॉटर में थे। यस सर, तो फॉल इन टेम्परेचर पूछ रहा है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, वो 212 डिग्री फारेनहाइट। आपको पता होना चाहिए कि अपर फिक्स पॉइंट 212 होता है फारेनहाइट में, अगर ये नहीं पता है तो अटक जाओगे। यस सर, अब देखो इसमें 140 पर आ गया टेम्परेचर। यस सर, तो इसमें कितना आ जाएगा ये बताना है, कितना फॉल है ये नहीं बताना, कितना फॉल होगा ये बताना है, कितना फॉल होगा ये बताना है, कितना फॉल होगा डिग्री सेंटीग्रेड में वो बताना है। तो फॉल इन फारेनहाइट पता चल गया मेरे को, फारेनहाइट में 140 रजिस्टर्ड कराया आपने, ये देखो, तो मैं वॉटर को तब तक ठंडा करता रहा जब तक फारेनहाइट पर 140 आ गया, तो कितना फॉल हुआ यार, तो बोल दो कितना फॉल हुआ, तो 212 से 140 हो गया। मैं बोल दो यहां पर फॉल हुआ 72 का, बोलो ना बेटा,
बेटा फारेनहाइट में फॉल हुआ है 72 का, तो डिग्री में कितना फॉल हुआ यह बताना है। फॉल इन टेम्परेचर, यस सर, फॉल इन टेम्परेचर। तो बेटा एज वी नो, एज वी नो क्या कि डिग्री का फॉल याद है, चेंज इन डिग्री, राइज और फॉल, और फारेनहाइट में राइज और फॉल में ये रिलेशन होता है। याद है फारेनहाइट 9/5 टाइम्स फास्टर होता है, यस सर। बेटा राइज और फॉल दोनों ही 9/5 टाइम्स फास्टर होते हैं फारेनहाइट पर, एम आई राइट और नॉट? बेटा दोनों 9/5 टाइम्स फास्टर होते तो आ जाओ, तो डिग्री सेंटीग्रेड में फॉल आ जाएगा। तो बोल दो, हाँ, फॉल इन डिग्री सेंटीग्रेड डेल सी इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ फॉल इन, फॉल इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिखो फॉल इन डिग्री सेंटीग्रेड, यस सर, मैं लिख दू फॉल इन फारेनहाइट, फॉल इन फारेनहाइट, यस सर। तो मैं बोल दू जितना फारेनहाइट में फॉल होगा उससे कम डिग्री में होगा, क्योंकि फारेनहाइट फास्ट वेरी करता है, याद है 1.8 टाइम्स फास्ट वेरी करता है, तो ये कम आएगा। यस, तो 40 डिग्री का फॉल आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में 40 का फॉल आएगा। बेटा वो टेम्परेचर नहीं पूछ रहे, वो फॉल इन टेम्परेचर पूछ रहे। बेटा वो टेम्परेचर नहीं, फॉल इन टेम्परेचर पूछ रहे। 63% लोगों का राइट है, यस सर। प्रियांशु, सनी, अनुज, जोबन जी तो रॉन्ग फुकन, यस सर। अब देखो एक और तरीका, ये तो मेथड वन हो गया, ये तो मेथड वन हो गया, यस सर। मेथड टू देखो, मेथड टू देखो, मेथड टू इधर सुनना, मैं बोल दू व्हेन व्हेन टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज 140 डिग्री फारेनहाइट, है ना, देन देन इन डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बी, देन इन डिग्री सेंटीग्रेड, देन इन डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बी, इट कैन बी कैलकुलेट, इट कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग ये फॉर्मूला, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, ये फॉर्मूला यूज कर लो। ये तो यहां से कितना जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में जब फारेनहाइट में 140 है तो डिग्री में निकाल रहा हूं, तो ये आ जाएगा बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, सॉरी डिग्री फारेनहाइट में 140 है, ये रख दिया 140, यस सर। तो ये आ जाएगा बेटा 108/9, ये तो ये आ जाएगा बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा 1 और 2, तो ये आ जाएगा 60, यस सर। ये टेम्परेचर आया है, ये तो 60 टेम्परेचर आया है वॉटर का, वो पूछ रहा है फॉल इन टेम्परेचर, देखो फॉल, वो पूछ रहा है फॉल इन टेम्परेचर कितना गिरा, फॉल इन टेम्परेचर। तो मैं बोल दू दिस इज टेम्परेचर ऑफ वॉटर, दिस इज टेम्परेचर ऑफ वॉटर, हेंस फॉल इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज, बोल दो 100-60 40, बोलो ना बेटा फॉल इन टेम्परेचर कितना हो गया। तो बोल दो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से घट के 60 हो गया। बेटा ये टेम्परेचर तो आया है, तो जब टेम्परेचर गिर के फारेनहाइट में 140 हो जाएगा तो डिग्री में 60 हो जाएगा, और डिग्री में 60 हो जाएगा तो फॉल 40 का हो जाएगा। इतने लोगों को समझ आ गया क्या, ब्लर हो रहा है क्या? हेलो, एक मिनट एक मिनट।
एक मिनट रुक जाना बेटा, हेलो रुक जाओ, हाँ बेटा सही करवा रहे, रुक जाओ दो मिनट रुको बेटा, रुको रुको रुको, अब देखो बेटा, हेलो हेलो, अब चेक करो बच्चों, क्लियर है, ओके हाँ तो दो तरीके हैं, या तो 140 टेम्परेचर होने पर आप डिग्री में निकाल के फॉल निकाल लो, और या फिर देख लो कि सीधा फॉल देख लो, तो फारेनहाइट में फॉल आया इतने का, ए फारेनहाइट में फॉल आया बेटा 72 का, फारेनहाइट में फॉल आया 72 का, ये देखो ये फारेनहाइट में फॉल आया 72 का, फारेनहाइट में फॉल आया 72 का, देखो ये देखो ना, ये कैसे आया, ये 72 यहां से लिखा है मैंने, यस फारेनहाइट में फॉल आया 72 का, तो डिग्री में आएगा कम, 5/9, डिग्री स्लो होता है, डिग्री में वेरिएशन स्लो होता है एज कंपेयर टू फारेनहाइट, यस सर, चलो आगे, ठीक है सर, अब ये देखो 2008 AIPMT का क्वेश्चन है, अपन ने याद है पीडब्ल्यू स्केल बनाई थी, याद है पीडब्ल्यू स्केल, उन्होंने देखो स्केल चेंज कर दी on a new scale of temperature which is linear and called W scale, the freezing and boiling points are, ये देखो, तो जो रट के गए वो सब खत्म हो गए, freezing and boiling point are 39 degree Fahrenheit W scale to 239 W scale respectively, उनके freezing और boiling point दे दिए, तो इसका variation पता चल गया, देखो ये 200 का variation होता है इसमें, जब अपन डिग्री में 100 चलते ये 200 चलता है, डिग्री में 100 चलते तो ये 200 चलता है, तो बोल दो ये डबल फास्ट है, यस सर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल कोरस्पॉन्डिंग टू ए टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल, आ जाओ, तो अब रटने वाले सब बर्बाद हो गए, रट्टाफिकेशन वाले बर्बाद, वाले बर्बाद, यस रट्टाफिकेशन वाले बर्बाद, ओके तो अब अपने को वो देखना पड़ेगा रीडिंग, ये देखो ये फॉर्मूला यूज करो, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर कांस्टेंट, अब ये बेसिक पे आना पड़ेगा, दिस इज द बेसिक, ये बेसिक यूजिंग बेसिक, कोई भी स्केल वो यहां से बनती है, किसी भी स्केल का रिलेशन यहां से बनता है, अब अपने को डिग्री सेंटीग्रेड और डब्ल्यू स्केल बनानी है, ये डब्ल्यू स्केल, यस तो यहां से मैं लिख दूं डिग्री का, तो जीरो डिग्री, डिग्री माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो बराबर डब्ल्यू स्केल का, देखो W डिग्री W माइनस स्टार्टिंग पॉइंट 39 है, ये लोअर फिक्स पॉइंट 39 है, ये लोअर फिक्स पॉइंट और ये अपर फिक्स पॉइंट, एम आई राइट, तो यहां से आ जाएगा 39 अपॉन ये आ जाएगा 239 माइनस 39, ये देखो ना बेटा ये आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो, ये इसमें वैल्यू रख दी, और इसकी W स्केल की डिग्री W माइनस 39 अपॉन 239 माइनस 39, ओके आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा बेटा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 बराबर डिग्री W माइनस 39
अपॉन 200, ये कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड बराबर डिग्री डब्ल्यू माइनस 39 अपॉन 2। यस, अब ये स्केल का फॉर्मूला बन गया। अब आ जाओ ए डब्ल्यू स्केल पर, 39 पर टेम्परेचर है तो डब्ल्यू पर बताओ, तो ए ये 39 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रखो 39। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 170 आ जाएगा। मेरा तो 117 आ रहा है, 117 आ रहा है, 117 आ रहा है। ये देखो ना, स्केल में रिलेशन बना लिया। क्या एमए लॉजिक से कर दोगे, बिना पेन चलाए कर दोगे, बिना पेन चलाए कर ये देख, बिना पेन चलाए कर। ये देख ए इधर 100 बढ़ते हो, इधर 200 बढ़ते हो, देखो डबल ए 2 times फास्टर। देखना यहां पर 100 बढ़ते हो, वहां 200 बढ़ते हो, 2 times फास्टर है, 2 times फास्टर है बिना पेन चलाए कर। यस सर, 2 times फास्टर। और स्टार्टिंग ये देख, स्टार्टिंग 39 से, मैं 0 पे हूं वो 39 पर, देखो स्टार्टिंग 39 से और फास्ट है, स्टार्टिंग 39 से और डबल फास्ट है। मैं चलता हूं x तो वो चलता है 2x। यस सर, तो मैं चलूंगा, ये देखो इसको ऊपर ले लो स्केल को, ये मैं चलूंगा 39, यहां से 39 ऊपर चलूंगा, फिर मैं 0 से 39 ऊपर चलूंगा तो वो चलेगा यहां से कितना ऊपर, डबल, डबल 39 का डबल, 2 times ऑफ 39, तो बोल दू वो चलेगा 78। यस, और यहां से चलेगा 78, ये 78 और 39 से 78, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, मैं 39 चलूंगा तो वो डबल चलेगा 78, और यहां से स्टार्ट करेगा तो ये आ जाएगा 78 प्लस 39। आनंद आया कि नहीं आया, आनंद आया कि नहीं आया ये बता दो, आनंद आया कि नहीं आया ये बता दो, ये रहा फॉर्मूला, आनंद आया कि नहीं आया। कितने लोगों ने एमए लॉजिक से करा बताओ, कितने लोगों को मजा आ गया कि वैसे ही हो गया, मैं 39 चला तो डबल 78, और कहां से स्टार्टिंग 39 है, याद है इस W स्केल की स्टार्टिंग 39 है, तो 39 से 78 117। बेटा मजा आ गया होगा, मैंने ये करा उतने में तो आप कर कुरा के बैठ गए होंगे, बेटा मैंने इतनी मजदूरी करी जितने आपने सब कर दिया होगा, मैंने जब तक ये हार्ड वर्क करा आपने स्मार्ट वर्क कर दिया होगा, बोलो मैंने जितने ये करा मजदूरी जब तक तो आप कर कुरा के बैठ गए होंगे, सोचना आना चाहिए। यस सर, 97% ओके, चलो ये करो, ये पुराना वैसे तुम्हारे काम का पर पुराना एग्जाम में आया है, मर्करी थर्मोमीटर कैन यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर अप टू, ये 1992 में आया हुआ है,
मर्करी थर्मोमीटर कहां तक टेम्परेचर यूज करने के लिए काम में आता, करके बताओ पूरी क्लास में। एक मिनट बेटा मैं आ रहा हूं। उन्होंने वो पीपीटी नहीं लगाई, अगला टॉपिक की पीपीटी लगवाता हूं। ये करो मर्करी थर्मोमीटर, एक मिनट बेटा आया मैं, वो पीपीटी नहीं लगाई। हाँ बेटा ये कर रहे हैं सही, रुक जा एक मिनट बेटा। आएगा आएगा वीडियो आएगा बेटा, दो मिनट रुको। हाँ बोलो, नजर आ रहा है क्या? अरे वो पीपीटी गलत लग गई थी बेटा, आगे थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाना है ना। हाँ बोलो, तो ये देखो, ए इधर सुनो। अब देखो मर्करी थर्मामीटर जो होता है ना बेटा, ये देखो मर्करी थर्मामीटर, ठीक है अपने को खैर इनसे बात करो, कैन यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू विच, तो बेटा जहां तक वो बॉइल नहीं होगा तब तक यूज कर सकता है। तो मर्करी टेम्परेचर, मर्करी थर्मोमीटर से अपन कितना टेम्परेचर यूज कर सकते, कितना मेजर कर सकते हैं? तो इसका बेटा, इसका जो मेल्टिंग मतलब मर्करी का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस एचजी होता है -37 डिग्री सेंटीग्रेड। मर्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एचजी ये होता है लगभग 350 के आसपास होता है, 350 से थोड़ा ज्यादा 56 के आसपास होता है, 355-56 के आसपास लगभग, मेरे को फिक्स नहीं पता है। यस सर। तो बेटा जब तक मरकरी बॉइल नहीं होगी तब तक आप भली किसी में भी डालो तो वो टेम्परेचर रीड करती रहेगी, पर मरकरी खुद ही बॉइल होने लगेगी तो टेम्परेचर रीड नहीं करेगी। तो मरकरी थर्मोमीटर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर नाप सकता है 356 तक, और मिनिमम -37, क्योंकि उससे कम टेम्परेचर में डाल दोगे तो वो खुद फ्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम थर्मोमीटर में मरकरी यूज करते हैं, क्योंकि इसकी टेम्परेचर रेंज बहुत बड़ी है। तो मरकरी बहुत बड़ा टेम्परेचर नाप सकती है, इससे अपना कॉमन सेंस। यस सर, बोल दूं मरकरी थर्मोमीटर, एचजी थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 356 डिग्री सेंटीग्रेड। सर फिर ये ऑप्शन में हम क्या टिक करेंगे? तो आप मैक्सिमम पूछा ना अप टू व्हाट टेम्परेचर, तो आंसर टिक करूंगा 360। बेटा ये आपको नहीं पता होगा, ये नॉलेज वाली बात है। 360 सर, 356 क्यों नहीं? क्योंकि जब मर्करी थर्मोमीटर आप काम में लोगे, जब आप मर्करी थर्मोमीटर काम में लोगे तो बेटा वो जब मर्करी ऊपर जाएगी तो अंदर वैक्यू है, अंदर जो थोड़ी बहुत एयर रह जाती है उससे ये देखो इनर्ट गैस भरते हैं। क्या भरते हैं? इनर्ट गैस। यहां पर इनर्ट गैस भरते हैं अपन, ये तो वो जो इनर्ट गैस होगी, जैसे ही टेम्परेचर ये मेजर करेगी तो वो इनर्ट गैस दबेगी, तो यहां पर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये देखो ना, ये इनर्ट गैस है, ये कंप्रेस होगी तो बोल दो प्रेशर बढ़ जाएगा। बेटा जब टेम्परेचर मेजर करने के लिए मरकरी ऊपर चढ़ेगी तो इनर्ट गैस दबेगी, और इनर्ट गैस दबेगी तो बेटा ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। प्रेशर इंक्रीजेस, इनर्ट गैस कंप्रेसेस, इनर्ट गैस विल कंप्रेस। यस सर, तो प्रेशर बढ़ेगा, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस स्लाइटली इंक्रीजेस अप टू 360 डिग्रीज इंक्रीजेस। ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए 360 लिख दिया। बेटा वैसे तो मरकरी 356 के आसपास बॉइल हो जाती है, पर 360 तक इसलिए मेजर कर पाती, क्योंकि इनर्ट गैस ऊपर से प्रेशर बढ़ा देती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में यही तो होता है, इधर देखो
आपके घरों में प्रेशर कुकर में क्या होता है, चावल जल्दी क्यों बनते हैं? प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों बन जाते हैं? प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों बन जाते हैं? प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि प्रेशर कुकर का आप ये ढक्कन बंद रखते हो ऊपर से। यस सर। प्रेशर कुकर का ये ढक्कन बंद रखते हो और अंदर ये पानी के अंदर चावल पड़े होते हैं। ये अब आप जैसे इसको गर्म करते हो, पता है क्या होता है, अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर या स्टीम आ जाती है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है यहां पे, इसीलिए इसका नाम है प्रेशर कुकर। तो मैं बोल दूं, पहले वाटर बॉइल होता है 100 पर, तो पानी को मैं 100 तक गर्म कर पाता हूं, तो चावल को हीट 100 से मिलती है। देखो ये पानी 100 पर गर्म है तो चावल को हीट देगा। यस सर। तो चावल 100 के हिसाब से पकेंगे, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, तो मैं बोल दूं प्रेशर बढ़ता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ के मान लो 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो क्या मैं बोल दूं, अगर आप कुकर पे ऊपर ढक्कन नहीं ढकोगे तो वाटर 100 तक ही गर्म हो पाएगा, लेकिन ढक्कन बंद कर दिया तो बोल दूं अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और अंदर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपका प्रेशर कुकर, आपके जो अंदर पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग क्या होती है, एटमॉस्फेयर को हटा के वाटर का भागना। बेटा कोई भी चीज बॉइल कब होती है, तो क्या मैं बोल दूं, अंदर वाटर मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। जब आप गर्म करते हो तो दो चीजें होती है, एक तो वाटर का बॉन्ड टूटना और एक होता है जो बाहर से प्रेशर है उसको चीर के भागना। तो यूं समझ लो एक कमरे से बच्चे को भागना है। तो मैं बोल दूं दो दो बातें होती है, एक तो दूसरे बच्चे शिकायत कर देते हैं और तीसरा बाहर कोई खड़ा होता है, बाहर भी तो कोई घूम रहा है तो बाहर वाला टीचर पकड़ लेगा। तो एक टीचर की नजरों से बच के भागने में दो चीजें, एक तो बच्चे शिकायत करेंगे और एक बाहर कोई खड़ा है। अब जो बाहर खड़ा है वो ज्यादा, जिससे मुझे ज्यादा डर लगता है, वो इंसान आ गया तो मैं भाग ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो पकड़ लेंगे तो कुटाई पक्की है। तो क्या मैं बोल दूं, जब बाहर वाला प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर पे दबाव पड़ता है तो वाटर लेट बॉइल होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो 105 पर बॉइल होगा, तो 105 पर बॉइल होगा तो मेरे चावल जल्दी पकेंगे, ए चावल जल्दी पक जाएंगे। तो वाटर जब चावल को हीट देगा तो पहले 100 के डिफरेंस से हीट देता था, 100 से देता था, अब 105 से देगा तो चावल जल्दी पक जाएंगे। इसीलिए प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता। कितने लोगों को समझ आ गया, कितने लोगों को समझ आ गया प्रेशर कुकर में जल्दी चावल क्यों बनते हैं? इसीलिए ओपन कंटेनर में चावल नहीं बना के हम कुकर के अंदर बनाते हैं। अगर आप बनाते होंगे, बोलो बेटा। हाँ, यही अपन बड़े बड़े हिल स्टेशन पे चले जाते, देखना आप कभी हाई एल्टीट्यूड पे जाना, कभी हाई एल्टीट्यूड पर जाना, बड़े बड़े हिल स्टेशन पे हाई एल्टीट्यूड पे जाना, तो वहां देखना मैगी वगैरह मिलती है। बेटा कभी आप हाई एल्टीट्यूड पे गए होंगे तो वहां खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं ले जा पाते, वो तो मैगी वगैरह बना बना के देते हैं। आप कभी शिमला मनाली गए होंगे तो हाई हिल स्टेशन पे, अब वहां पे जब आप मैगी बनवाओगे ना तो आपको लगेगा उबल गई, खाओगे तो कच्ची कच्ची लगती है थोड़ी सी। रीजन, हाई एल्टीट्यूड पर वेपर प्रेशर, मतलब प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या बोल रहा हूं, हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम होता है, ये प्रेशर कम होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ये प्रेशर कम तो बोल दो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यस सर। तो जो कंटेनर है उसका पानी मान लो 95 पर ही बॉइल होने लग गया, पानी 90, तो आपको पानी उबलता हुआ तो दिखेगा 95, तो टेम्परेचर 95 पर ही पानी बॉइल होने लग गया, तो बोल दो मैगी को हीट कम मिलेगी। बेटा मैगी तक हीट ट्रांसफर कम होगी तो मैगी लेट बॉइल होगी, मतलब लेट पकेगी। तो पानी बॉइल 95 पर हो रहा है तो हीट ट्रांसफर स्लो होगी, तो हमारे अंदाजे से लेट मैगी बनेगी। जैसे घरों में हम जो अंदाजा लगाते हैं ना कि ऐसे उबलती है तो मैगी बन गई हम निकाल लेते हैं, वहां पर अगर उतने ही अंदाजे पर मैगी निकाल ली तो वो कच्ची रह जाएगी, क्योंकि हीट ट्रांसफर कम हो रही है, क्योंकि वाटर जल्दी बॉइल होने लग गया।
तो हाई एल्टीट्यूड पर वॉटर बॉइल फटाफट होता हुआ दिखता है। हाई एल्टीट्यूड पर वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है क्योंकि प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। कितने लोगों को समझ आ गया, कितने लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई, कितने लोगों को ये सब समझ आ गया बेटा, जल्दी बोलो, कितने लोगों को समझ आ गया। हाँ, सिक्किम मोमोज ओके। और बाप रे, इतने लोगों का राइट था 70% का, बहुत बड़ी बात है। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट इतने लोगों को पता था क्या? मेरे को तो पता ही नहीं था। हेलो, क्लियर है सर? माय मम्मी इज आल्सो लिसनिंग टू यू। ए बेटा, ऐसे मत कर रहे। हाँ, मम्मियों को मत सुनाओ। मम्मी कहेगी सर क्या घर पे दिन भर खाना ही बनाते रहते जो सर को इतना पता है, क्या करे बेटा, किस्मत अपनी अपनी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। कई बार अपनी याद है कुकर की सीटी खराब हो जाती है, जाम हो जाती है, तो याद है फिर एकदम से वो सीटी जब खुलती है तो पूरा खिचड़ी दीवार पर, याद आया? कई बार अंदर प्रेशर बहुत, बेटा अगर प्रेशर कुकर की सीटी खराब हो गई, जाम हो गई, तो वो बम की तरह बिहेव करेगा आपका कुकर। इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, तबाही मचा देगा, फट जाएगा कुकर। आपने सुना होगा कई बार कुकर फट जाते हैं। यस सर, ओके। तो कुकर की सीटी, तो याद है जब भी वेपर प्रेशर, आप सोचो कितना प्रेशर बढ़ जाता कि सीटी को ऊपर, याद है मेटेलिक सीटी को ऊपर उठा लेता है कुकर के अंदर, कितना वेपर प्रेशर बढ़ जाता है कि एम मास की सीटी को ऊपर उठा देता है। तो राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले यही तो देखा था, ढक्कन ऊपर उठ रहा था, याद है? तभी तो उनको पता पड़ा कि स्टीम, स्टीम में इतनी ताकत होती है, वेपर में इतनी ताकत होती है। हेलो, ये क्या रे, एम ए बम, एम ए खिचड़ी, लपड़ पड़ेगी, एक खींच गए, एम ए धमाका। ओके, क्लियर है बेटा, सारी बात समझ में आ गई क्या आपको? पक्का? चलो ए बेटा, अब मैं आज क्लास जल्दी छोड़ रहा हूं, क्लास जल्दी छोड़ रहा हूं, कल बात करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, थोड़ा सा मेरे गले पे जोर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, तो अब कल बात कर लेंगे, ठीक है। ये थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है बेटा, थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये देखो, ये देख, ये ए वो रिलेशन कैसे आया, देखो ग्राफ थोड़ा सा और बता देता हूं। ये डिग्री सेंटीग्रेड, यस, ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, ये फारेनहाइट स्केल है, ये देखो ऐसे बनते हैं ये ग्राफ। जब अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे उस समय यहां पर 32 फारेनहाइट था, यस, और जब अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चले गए तो ये फारेनहाइट स्केल कहां चली गई, समझना? मैं बोल दू 212 डिग्री फारेनहाइट पे। एक ग्राफ भी समझा देता हूं, जब आप डिग्री में 0 से 100 तक गए तो फारेनहाइट में 32 से 212 चले गए। बेटा जब आप डिग्री में 0 से 100 गए तो फारेनहाइट में 32 से 212 चले गए। ओके, अच्छा, तो मैं बोल दू इधर 100 चलोगे तो उधर 180 चले, देखो इधर 180 चले, इधर 100 चले, तो ए बेटा डिग्री में 100 चले तो फारेनहाइट में 180 चले। ओके, ठीक है साहब, ठीक है। अब मैं बोल दू बेटा, तो ये देखो, यस सर, ये तो मैं बोल दू डिग्री में 100 चले तो फारेनहाइट में 180 चले, यस सर, ये 180 है, ये 100 है, तो बोल दू ये थीटा एंगल हो गया। तो इस ग्राफ की स्लोप कितनी आ गई, तो स्लोप यही तो बता रही है, आगे चले 100 तो ऊपर चले 180, आगे चले 100 तो ऊपर चले 180, यस सर, ओके। तो अच्छा, अब आगे चले, ये डिग्री की रीडिंग, ये आगे चले डिग्री सेंटीग्रेड तो ऊपर कितना चले, ये तो यहां से चले और ऊपर कितना चले, तो ये आ जाएगी फारेनहाइट की रीडिंग। अब सुनना ध्यान से, ये देखो कैसे रिलेशन बनता, वो देखो, ये देखो, आगे चला 100, चुपचाप सुन रहे, आगे चला 100 ऊपर चला 180, तो आगे चला डिग्री सेंटीग्रेड तो ऊपर चला फारेनहाइट,
आगे चला डिग्री, ऊपर चला फारेनहाइट, ठीक है। अब इधर देखना, तो यहां से मैं लिख रहा हूं ए, ए ये स्टार लगा रहा हूं, ये छोटा स्टार और ये बड़ा स्टार, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल, चुपचाप इधर देख, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल स्मॉल स्टार एंड कैपिटल स्टार, ये छोटा स्टार और बड़ा स्टार, ओके। तो यहां से लिख दू टेन थीटा बराबर, ए टेन थीटा बराबर, बड़े बड़े से लिखूंगा 180 बाई 100, क्या समझ आ रहा है जरा? वो टेम्परेचर के रिलेशन कैसे बने वो बता रहा हूं बेटा, इधर 100 चलता हूं, इधर 180, तो 180 बाई 100 इज इक्वल टू ये पर, ये कितना हो जाएगा, तो मान लो ये 32 है, तो ये आ जाएगा डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, ये परपेंडिकुलर, ये देखो ना, इधर चलता हूं 100, तो इधर चला ये डेल एफ, ये देखो इसको लिखो डेल एफ, यू लिखो डेल एफ, इससे और क्लियर हो जाएगा, देखो ये डेल एफ उधर चला, इधर चला 100 तो उधर 180, तो इधर चला डिग्री में डेल सी, डिग्री में डेल सी चला तो फारेनहाइट में डेल एफ, बेटा इधर चला 100 तो उधर चला 180, तो इधर चला डेल्टा सी तो इधर चला डेल्टा एफ, यस सर आ जाओ, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 100, यस सर, ये 180 डिवाइड बाय 100, ये कितना आ गया, ये देखो ना 212 माइनस 32, ये 212 है और ये 32 है, तो ये आ जाएगा 180, ये ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 0, ये 100, ठीक है बराबर, ये डेल एफ अपॉन डेल सी, ये रिलेशन आ गया डेल एफ अपॉन डेल सी, डिग्री में जीरो से चले थीटा डिग्री, तो डिग्री सेंटीग्रेड, तो फारेनहाइट में चले 32 से, ये फारेनहाइट में 32 से बढ़ते हो आप, और बढ़ने की रफ्तार वही रहेगी, इधर 100 उधर 180, 100 आगे चलते हो तो 180 ऊपर, ऐसे ही तो समझाया था, डिग्री में 100 चलते हो तो फारेनहाइट में 180, 1.8 टाइम्स फास्ट है, देखो ये, यस सर, ये देखो ना 1.8 टाइम्स फास्टर है बेटा, ये यही तो शो कर रहा है कि फारेनहाइट 1.8 टाइम्स फास्टर है, देखो 1.8 टाइम्स फास्टर है, यस सर, तो ये आ जाएगा, तो यहां से देखो डिग्री फारेनहाइट बराबर, ये काट दो तो ये 9 बाई 5 आ रहा है, ये 9 बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एम आई राइट, ये तो यहां से आ जाएगा बेटा, ये देखो यू लिखो इसको, ये डिग्री फारेनहाइट बाई 9 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्रीमेंट बाय 5, इससे क्लियर नजर आ गया कि हम डिग्री में जितना चलते हैं तो फारेनहाइट, फारेनहाइट में आगे बढ़ना डिग्री में आगे बढ़ने का 9 बाई 5 टाइम्स है, ये देखो यहां से लिख दो बेटा, यहां से लिख दो ये डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, ए ये डेल एफ की वैल्यू लिख रहा हूं डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, और ये डिग्री से, ये डेल सी की वैल्यू लिख रहा हूं डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0, यस अपॉन 9 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5, ये रिलेशन आ गया, ये देखो ए स्केल में ग्राफ से भी बना सकता हूं, स्केल में रिलेशन ग्राफ से भी बना सकता हूं, खत्म, ऐसे ही केल्विन का बना लो, ये डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, ये ऐसा बन जाएगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 273 केल्विन और ये 373 केल्विन, ओके बस ये वही बनेगा, ये देखो इसमें इधर चले 100, ये देखो ना 100 माइनस, तो इधर भी चले 100, 373 माइनस 273, ये आ गया फिर से 100, ये सर ये थीटा, ओके तो ये 100 और ये भी 100, तो 10 थीटा लिखो यहां पे, ए 10 थीटा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 100/100। यस सर। ऐसे यहां पे देखो ये केल्विन की रीडिंग, ये केल्विन और ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो ये डेल्टा के और ये डेल्टा सी, और ये डेल्टा के कितना आ गया, ए केल्विन में इंक्रीमेंट ये, ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा K-273 और ये वही जीरो। यस सर। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा के अपॉन डेल्टा सी, तो ये डेल्टा के बराबर डेल्टा सी। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा K-273 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिलेशन खत्म क्या। यस सर। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन माइनस, तो यही रिलेशन बन जाएगा। यस सर। ओके, तो इन दोनों को मिक्स करोगे तो फिर रिलेशन बन जाएगा। ओके ठीक है, तो आप चाहो तो यहां पे वो वाली स्केल भी बना सकते हो। कौन सी? ये लो, ये वाली भी बना सकते हो। अब आप बना के लाना ये रिलेशन, ये एक दे रहा हूं आपको, ये आप कंप्लीट करके लाना कल, ये बनाओ आप, ये केल्विन और ये फारेनहाइट, ये बना के लाना, ए इसको कंप्लीट करके लाना आप। ये बना के लाना, तो बोल दू वही वाली बात हो जाएगी। ए ये देखो, इधर 100 चलोगे तो इधर 180 चलोगे, देखो ये 273 माइनस 273 बराबर 100। इधर आ जाएगा 212-32 बराबर 180। ये देखो फिर से वही, इधर 100 चला तो उधर 180, तो यहां पर डिग्री फारेनहाइट में रीडिंग आएगी, इधर केल्विन में। ये डिग्री फारेनहाइट, इधर केल्विन, ये देखो ए इधर कितना, ये स्लोप आ गई थीटा, बोल दू ये इधर चले कितना डेल एफ, ये आ जाएगा एफ माइनस 32। यस, ये डेल एफ, और ये आ जाएगा डेल के, ये आ जाएगा बेटा कितना K-273, ये डेल के आ जाएगा K-273, ये डेल के K-273, बस तो ये लिख लो, ये टेन थीटा लिख लो, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया 180/100। केल्विन में 100 चलता हूं तो फारेनहाइट में 180 चलता हूं, केल्विन में 100 चलता हूं तो फारेनहाइट में 180, 1.8 टाइम्स तेज चलता हूं, ये देखो। यस सर। और ऐसे इधर आ जाएगा, देखो ये डेल एफ अपॉन डेल के, तो ये आ जाएगा बेटा वही 9/5, और ये डेल एफ लिख दो एफ माइनस 32, ये डेल एफ लिख दो डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन डेल के लिख दो K-273। यस, ये आ जाएगा बेटा K-273 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये आंसर है। अब इन दोनों को दोनों को मिक्स कर दोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी पूरी। ये देखो ना, ये पूरी तीनों में रिलेशन बन गया बेटा, ये डिग्री फारेनहाइट इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, तो ये तीनों में रिलेशन बन गया। तो ये ग्राफ से भी सोच सकते हो कि इधर इतना चलता हूं तो ऊपर कितना चलता हूं, तो डिग्री में 100 चलता हूं तो फारेनहाइट में 180 चलता हूं, खत्म। चलो हाँ, ये नोट कर लेना बेटा, ये तो ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है, इससे आपका रिलेशन बन गया ना। ये देखो, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में रिलेशन बन गया। देखो ये देखो, इसको इक्वेशन वन कर दूं, इसको इक्वेशन टू कर देता हूं, तो फ्रॉम वन एंड टू ये आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट बाय 32 बाय 9। तो देखो ये वाला रिलेशन इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, बराबर केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 5, तो सब में रिलेशन बन गया। तो आप बेटा स्केलों में रिलेशन बना सकते हो, इधर इतना चला तो उधर कितना चला, खत्म। चलो
कल बात करेंगे बेटा, बाय 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 बच्चों, लव यू ऑल। थोड़ी तबीयत सही नहीं है बेटा, बाय बाय, ओके।